नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इंडिया ऑनलाइन में। दोस्तों, चावल खाना लगभग सभी को पसंद है और सभी लोग इसे बड़े ही चाव से खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चावल आपके शरीर को कुछ ऐसे नुकसान पहुंचाता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना होगा। अक्सर लोग चावल का सेवन लजीज पकवानों के साथ करते हैं। इसके अलावा थाली में चावल ना हो तो खाना अधूरा सा लगता है, और यदि चावल थाली में हो तो बस देखकर ही लगता है कि अब पेट भर जाएगा। आप लोगों को शायद पता हो, चावल दो प्रकार के होते हैं। इनके रंग में ये अंतर कैसे होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये दोनों चावल ही हैं, एक सफेद और दूसरे पीले, जिसे ब्राउन राइस भी कहते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। शायद कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन आपको बता दें कि सफेद चावल के ऊपर की एक परत को निकाल दिया जाता है, जिसे आम भाषा में पॉलिश चावल कहते हैं, और इसी के विपरीत पीले चावल के ऊपर की परत को नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इसे पहले धान की स्थिति में हल्की आंच पर पकाया जाता है, जिससे इसकी परत सख्त हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब चावल इतना नुकसानदायक होता है तो मार्केट में इतना ज़्यादा क्यों बिकता है? इसका एक मुख्य कारण है कि जब चावल की पॉलिशिंग होती है तो इसका लगभग 95% पोषक तत्व निकल जाता है, जिससे कि इस चावल को एक लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है और ये खराब नहीं होता। वैसे लगभग सभी प्रतिदिन सफेद चावल का ही सेवन करते हैं। अधिकतर लोगों को चावल के बारे में बस इतना पता रहता है कि चावल खाने से पेट निकलता है, मतलब मोटापा बढ़ता है। लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा चावल खाने के बहुत ही भयंकर नुकसान होते हैं, जिसे आपको जरूर जानना चाहिए, जिससे कि समय रहते आप घातक परेशानियों से अपने शरीर को बचा सकें। बहुत से लोगों की हमेशा तबीयत खराब होती रहती है। ठीक हुए कुछ दिन होता नहीं, फिर कुछ ना कुछ परेशानी शुरू हो जाती है, जिसके कारण उन्हें बार बार दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। का एक कारण शरीर में अम्लता यानी कि एसिड का बढ़ना भी हो सकता है। सफ़ेद चावल एक अत्यधिक अम्लीय भोजन है, यानी कि एसिडिक खाना है, जो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा अम्लीय बनाता है, मीन्स एसिडिक बॉडी बना देता है आपके बॉडी को। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में अम्लता यानी कि एसिड आज के समय के रोगों के मुख्य कारणों में से एक है। आपको शायद पता होगा कि इंसान के पेट की सफाई करने में फाइबर्स बहुत ही मददगार होता है। चावल के सेवन से पेट की बहुत सी बीमारियां होती हैं, क्योंकि चावल में फाइबर्स नहीं पाया जाता और जब पेट में जो कि त्यों ही रहता है। जैसे स्टूडेंट्स, क्लासरूम और जॉब करने वाले लोग अपने ऑफिस में सो जाते हैं। वैसे कोई नहीं चाहता सोना, लेकिन नींद और थकान इतनी ज़बरदस्त होती है कि अपने से ही शरीर झपकियाँ लेने लगता है। इसका मुख्य कारण चावल हो सकता है, क्योंकि चावल में विटामिन B1 पाया जाता है, जिसके कारण शरीर आलस का शिकार हो जाता है। आज के समय में किसी भी व्यक्ति को मधुमेह या डायबिटीज हो सकती है, जिसका कारण चावल का सेवन भी हो सकता है। जी हाँ, चावल आपको डायबिटीज भी करवा सकता है, क्योंकि चावल का सेवन करने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और शुगर हाई लेवल तक पहुँच जाता है। जिन लोगों को भी डायबिटीज है तो वो कम से कम चावल खाने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेटर है उन लोगों के लिए। वैसे हमारे शरीर को काम करने के लिए खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, जो चावल में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर के सभी फंक्शन सही से काम नहीं करते या फिर खराब हो सकते हैं। दोस्तों, आपका हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।